Come in, Agent X. Agent X reporting, sir. क्या तुमने ट्रेन में वो कंट्रोलिंग डिवाइस लगा दिया है जो मैंने तुम्हें दिया था? Yes, sir. लगा दिया है. अब पूरी की पूरी ट्रेन आपके रिमोट से कंट्रोल होगी. खुश हुआ बम बम बम्बूस्की. Over and out. मॉस्को से बीजिंग जाने वाली ट्रेन अब मेरे कंट्रोल में है. अब देखो क्या करता है. Bam bam bambuski! बॉस, आज तेरी वजह से सुबह सुबह दौड़ लग गई. तुझे कहा था कि 5 बजे जगा देना. अम्मा, लेकिन सुबह 5 बजे कौन उठता है? हम तो शाम के 5 बजने का इंतजार कर रहे थे. एक तो घबराहट हुई, कुछ करो धीर. अरे, आज सुबह ही तो हमने हेलो किया था. अभी ट्रेन छूट रही है, हम बाद में शेक हैंड करेंगे. बॉस, मैं शेक हैंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ो. अरे, हाथ पकड़ने से क्या होगा? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. Yaruski! Yaruski! Hello! My friend Khodka! हाँ, खोदकर ने सूटकेस को खोदकर तुम्हें निकाल ही लिया खोजकर. बच्चों, ये है मेरा खास दोस्त. हम हैं Yaruski. Yaruski? किसकी? किसकी नहीं, Yaruski. अरे वही तो पूछ रहे हैं हम, किसकी किसके यार है यार? बॉस, इनका नाम है अंकल Yaruski. हाँ बेटा, ये Yaruski हैं. इन्होंने ही हमें इस ट्रेन में इनवाइट किया है. हाँ बच्चों, ये ट्रेन कई देशों को क्रॉस करती हुई मॉस्को से बीजिंग तक जाती है और हम सब रास्ते में खूब एंजॉय करेंगे. सभी को Lambuski का सलाम. हम हैं Lambuski. हीर को परेशानी हुई. क्यों हुई? क्योंकि हीर को समझ में नहीं आ रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है. ये हमारे सबसे बड़े बतलर की आवाज है, Lambuski की. जरा नीचे देखो. मेरा तो दिमाग चर्र करके चकरा गया. अगर ये बड़े बटलर है तो छोटे कैसे होंगे? हाँ, और ऊपर से इनका नाम भी Lambuski है. हाँ, इनका नाम तो Chotuski होना चाहिए था. ठीक है, ठीक है, बातें बात में बच्चों, लेट्स गो. प्लीज कम फ्रेंड्स, सर Yaruski के कहने पर हमने आपके लिए खास खाने का इंतजाम किया है. ये! ये खाना है. हीर खुश हुई. चलो चलो,
फर से सारा खाना खा जाते हैं। वेट बच्चों, पहले हम प्रेयर करेंगे, गॉड को थैंक्स कहेंगे। वेरी गुड बच्चों, खाने से पहले हमेशा भगवान को थैंक्स कहना चाहिए। ओह माय गॉड बॉस, तुमने तो पूरा खाना खा लिया। अंकल यार, उसकी ने कहा था कि ये खाना है, हमने खा लिया। बेटा वो बता रहे थे कि ये खाना है और तूने तो खाना ही खा लिया। डोंट वरी, हमारे होते हुए खाने की कोई कमी नहीं हो सकती। लंबुस्की। यस मिस्टर यारोस्की। लंबुस्की अभी खाने का इंतजाम करता है। ये क्या हो रहा है? ये गेट्स अपने आप क्यों बंद हो रहे हैं? ये एक कौन सा कॉमेडी शो आ रहा है दादाजी? ये तो बम्बुस्की है, बहुत बड़ा गुंडा है। हेलो फ्रेंड्स, आ गया है बम बम बम्बुस्की बम्बार्डिंग करने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी ट्रेन और इसके सिस्टम्स मेरे कंट्रोल में है। ओह माय गॉड, ये क्या कह रहा है? और मैंने इस ट्रेन में ऐसा डिवाइस लगा दिया है कि अगर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आर से कम हुई तो ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। ये कौन मजाक कर रहा है? अगर आप लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो तो आपकी ट्रेन में सफर कर रहे या रूस की नाम के बिजनेसमैन से कहिए कि उनके गले में जो रूबी लॉकेट है वो मेरे हवाले कर दे। आपके ट्रेन के रेस्टोरेंट की एक टेबल पर एक क्रॉस साइन का बॉक्स रखा है। यारूस्की, अपना रूबी उस बॉक्स में डालकर उसे ट्रेन से बाहर फेंक दो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये बता दूं कि यहाँ से 50 माइल्स दूर एवलांच की वजह से ट्रैक बंद हो चुका है और ट्रेन जाकर उससे टकरा जाएगी। ट्रेन को रोकना सिर्फ मेरे हाथ में है। यारूस्की के पास सिर्फ 30 मिनट है अपने आप को और इस ट्रेन को बचाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये रूबी बहुत बहुत कीमती है और हमारे खानदान की निशानी भी। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। मुझे तो ये गीदड़ भपकी लग रही है। इंजन ड्राइवर से कहो कि वो ट्रेन को स्लो कर दे। प्लीज स्टॉप द ट्रेन, इट्स एन इमरजेंसी। कोई इंसान नहीं था। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। 100 किलोमीटर से स्पीड नीचे गई तो पूरी ट्रेन डीरेल हो जाएगी। मिस्टर यारोस्की, मैंने स्पीड तो बढ़ा दी है लेकिन मुझे अभी वायरलेस पे मैसेज आया है कि यहाँ से 45 माइल्स आगे ट्रक ब्लॉक्ड है एवलांच की वजह से। अगर हमने ट्रेन नहीं रोकी तो ट्रेन क्रैश हो जाएगी। बम बम बम्बुस्की की बम्बार्डिंग देख ली? अभी तो लगेज बोगी को डिरेल किया है। अगर 30 मिनट में रूबी नहीं फेंका तो पूरी ट्रेन डिरेल हो जाएगी। दादाजी, बम्बुस्की झूठ नहीं कह रहा है, ट्रेन की कंट्रोल्स उसके कब्जे में है। अब क्या होगा? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। क्या फैब फाइव ये मिशन पूरा करने के लिए तैयार है? ये डोंट वरी यारूस्की, फैब फाइव यार है सबके। ये कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन कैसे? हमें इंजन तक जाकर उसके फिट किए हुए डिवाइस को ढूंढना होगा जिससे वो ट्रेन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन तुम लोग इंजन तक जाओगे कैसे? उसने बीच के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं।
हमें बाहर से जाना होगा। अरे क्या धड़ाम करके ट्रेन से कूदने वाले थे? नहीं तो धीर ने कहा कि हमें बाहर से इंजन में जाना होगा, तो हम बाहर से इंजन में जा रहे थे। बाहर से मतलब छत से बॉस। ओ क्या आप हमें बता सकते हैं कि बम्बूस्की ने कंट्रोलिंग डिवाइस कहाँ लगाया होगा? हर ट्रेन का कंट्रोल बॉक्स इस तरफ है। हाँ? ये डिवाइस कौन सा है जो कंट्रोल बॉक्स की साइड में लगा हुआ है? ये तो मुझे भी नहीं पता, ये डिवाइस तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। ये टेंस्ड हुई। क्यों हुई? समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। ये डिवाइस तो बहुत सारी तारों से कनेक्टेड है। मीर, क्या तुम इस डिवाइस के बारे में कुछ बता सकते हो? ये डिवाइस कोई किसी रिमोट से ऑपरेट कर रहा है। हो ना हो यही बम्बूस्की का डिवाइस है जिससे वो ट्रेन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हम इसे बंद कैसे करेंगे? वही तो समझ नहीं आ रहा, इतने सारे तार हैं इसमें, गलत तार काटने से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जब कंफ्यूजन होता है तो हमें पता है कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अरे बॉस ये क्या किया? एक कंफ्यूजन दूर कर दिया। हीर को घबराहट हुई क्योंकि ट्रेन की स्पीड और बढ़ चुकी है। अब तो हम सटाक स्पीड से जा रहे हैं। ट्रेन 2 से 15 मिनट में टकराने वाली थी, अब तो और जल्दी टकरा जाएगी। बम बम बम्बूस्की से होशियारी, मेरे कंट्रोल्स को छेड़ने की कोशिश किया किसी ने, अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मीर क्या तुम उस वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी बम बम बम्बूस्की की वॉकी टॉकी से मैच कर सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ। हेलो बम्बूस्की, हेलो बम्बूस्की। हेलो, मैं धीर बोल रहा हूँ। धीरज रखो, हम तुम्हें रूबी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें वो रिमोट हमें देना होगा जिससे ट्रेन कंट्रोल हो रही है। रिमोट तुम्हें मिल जाएगा लेकिन बिना रूबी के नहीं। ट्रेन की छत पर आ जाओ, मैं तुम्हें रूबी देने आ रहा हूँ। बम बम बम्बूस्की आ रहा है, ओवर एंड आउट। मैं अंकल यारुस्की का रूबी लेकर छत पर जाता हूँ और मौका मिलते ही बम्बूस्की का रिमोट छीन लूंगा। लेकिन कैसे? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा दादाजी। तुम तो बच्चे हो। वेल डन, लाओ ये रूबी मेरे हवाले कर दो। आई एम सॉरी बम्बूस्की, पहले मुझे ये रिमोट दो। मुझसे और स्मार्टनेस नहीं बच्चे, एक हाथ ले एक हाथ दे। बम बम बम्बूस्की से होशियारी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। Thank you.
थैंक यू फैब फाइव, आज तुम लोग ना होते तो न जाने क्या हो जाता। नो वरीज अंकल, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। अभी थोड़ी देर में रास्ता क्लियर हो जाएगा और हम लोग बीजिंग के लिए रवाना हो जाएंगे। सब्सक्राइब टू सोनी ये फॉर मोर सच फन वीडियोस।